कि इन्होंने यहाँ पर जंगल में सबसे पहले आए थे, और इनके भी जो चूल है ना, चूल बोलते हैं ना केश, इनका जो बच्चा हुआ है ना, तो पतंजलि से बच्चा नहीं तो और गंजे हो जाते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, हमारे सांसद समाधान, हमारे पल्लभूषण दास डांगरिया, विमल बोरा डी सी और हमारे जिला विषय पतंजलि उद्योग सम्मानीय विषय और मोर आई माति उपस्थित राय सांबा बंधुस्क डर सपन आम पूर्ण हल आज ये बहुत बड़ा सब कथा जिस दिन उदय जी और आप गया था मेरे घर में गया था जब बालीपाड़ा में जे हम लोग जमीन देख के आया है उसमें ये पतंजलि लगा है। उस रात में हम लोग बात किया, तीन साल एक हफ्ते का भीतर में आप लोग को जमीन दे दिया असम सरकार। ये माननीय सर्वानंद सिंह सुनवाल जी का बहुत इसमें भूमिका है, और सुनीतपुर तेजपुर बालीपाड़ा यहाँ का जितना आदमी जिमान मानु आसे यार सको यार आशीर्वाद आज गति के आम परम सौभाग्यवानी कब पारो आम तेजपुर राइज जे आम इतना उद्योग एट स्थापन हो जा 20,000 कोटी टका इनभेस्टमेंट हम मैंने बहुत इंडस्ट्री देखा है लेकिन 3 महीने के भीतर भी इतना बड़ा इंडस्ट्री कभी नहीं है। आपने वो दिन मीटिंग में आप बोला ना जब हम लोग जनवरी फरवरी का भीतर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत कारण से आज मास का दिन में हम लोग का ये उद्घाटन हो गया और इतना खुशी है कि आज यहाँ से एक ट्रैक भी डिस्पास हो रहा है, यहाँ का प्रोडक्ट का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ट्रैक भी एक डिस्पास हो গতিকে আমি এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, আমি উদ্যোগ কৰিব লাগিব, উদ্যোগ অবিহনে অসমৰ কেতিয়াও উন্নতি নহয়, সেইটো ঠিক জানি যিমান অসমত উদ্যোগ আহিব আমাৰ অসম উন্নতি হ'ব, আৰু আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা বেংগালুৰুত যাব নালাগে, মাদ্ৰাজত যাব নালাগে, পঞ্জাৱত যাব নালাগে, আমাৰ ল'ৰা ইয়াতে যাব লাগে। যদি আমাৰ উদ্যোগ আমাৰ বহুত সংস্থা এতিয়া বহুত অসমত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন আহিছে যে পতঞ্জলিক মাটি দিব লাগে, বিধানসভাৰ মজিয়াত এইবিলাক কথা ওলাইছে, আমি কৈছোঁ পতঞ্জলিক আকৌ 1 বিঘা মাটি আমি বেছিকৈ দিম, 1 বিঘা মাটি আমি টেনশ্যন হৈ গৈ ফিৰ আপোনালোকে এছেম্বলিতে তাৰিখে আমি 1 বিঘা মাটি বেছিকৈ দিম, পতঞ্জলিক আমি দিম, স্বদেশী কোম্পানী হয়, বাহিৰা কোম্পানী নহয়, ফৰেনৰ কোম্পানী নহয়, স্বদেশী কোম্পানী হয়, অসমত উদ্যোগ হ'ব লাগিব, ইয়াৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব, চৰকাৰী চাকৰিত আমি 25 লাখ নিবনুৱা আমি নিযুক্তি দিব নোৱাৰোঁ, গতি আমি সকলে মার মারি ঠিক সচি হব লাগিব। আর মানে ধন্যবাদ দিছো এই বালিপাড়া অঞ্চলের ঘোড়ামারি অঞ্চলের রাইজক যে আপনার সাহসের ভাবে আপনার প্রেরণার ভাবে আজি এরকম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আজি ইয়াত আমি করব, গতি সকলকে ধন্যবাদ দিছো আর বিহুক আমি শুভকামনা আপনার বিহু আরা আম লোক অসমিয়া কা আমি বিহু বে খুব 1 মহিনা আম লোক বিহু গাতে রয়েগা 1 মহিনা অসমিয়া আসাম কা আমি 1 মহিনা ও কবি কই 2 মহিনা আমি মে জুন তো বিহু মারতে ইয়ে আয় আসাম গতিকে সকলকে ধন্যবাদ আর মো ভাবো যে প্রথম দিনে আর উঠক আমার ফল যান সহায় আছে আমার অসম সরকারে সর্বত সুন্দর করে ধন্যবাদ। अब मैं भाई पल्लव जी जो बिजली वगैरह सब देख रहे हैं सोलर बिल के जमे में, मैं पल्लव जी को दे रहा हूँ कि अपनी शुभकामना दें। परम पूजनीय हमारा आचार्य श्रद्धा हमार आचार्य राधाकृष्ण जी हमार यहाँ उपस्थित थका हमार आचार्य श्रद्धार अंशत हमार रामप्रसाद शर्मा डांगरिया हमार मंत्री আমার সকলোরে শ্রদ্ধার রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়া অতীর্থ বিধায়ক আমার বিমল বরা ডাঙরিয়া জেলার উপায়ুক্ত অতিরিক্ত অধীক্ষক আর সকল সম্মানীয় বিষয়ববীয় সকল পতঞ্জলির বিভিন্ন পদবীত থাকা বিষয়ববীয় আর এই অঞ্চলের সকল শ্রদ্ধেয় রাইজ আর মরমর বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির এই মুহূর্ত ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ এই ঐতিহাসিক দিনটা আমি পাইছো
केवल मात्र परम पूजनीय योग करी स्वामी रामदेव जी और आमार आचार्य बालकृष्ण जी कारण সেইকাৰণে মই সকলো ৰাইজৰ হৈ মই আমাৰ দুইগৰাকী আমাৰ পৰম পূজনীয় গুৰু আচাৰ্যজী আৰু ৰামদেৱ স্বামীজীক মই এই সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মই প্ৰথমে তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আমাৰ লিয়ে পৰম সৌভাগ্য কি বাত হে যে আপনি ই জেগা কো চুনা আৰু আপনি জেছে বোলা আমাৰ মানসিকতা কো আপনি বদল দিয়া। हमारे यहाँ पे ऐसा मानसिकता था कि हम लोग कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, कैसे हम लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़े, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आपने जैसा इतना कम समय में हम लोगों का मानसिकता का जैसा आपने परिवर्तन किया, हमने हमको काम करने के लिए नया उद्यम नया चिंता करने के लिए आपने हम लोगों को एक सरकार को जो बन दिया उसके लिए हमारे सरकार के तरफ से भी हम पतंजलि के स्वामी रामदेव जी और आपको नमन करते हैं, श्रद्धा निवेदन करते हैं और हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हैं। हम चाहते हैं आपको लेके हमका असम का जो हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो परिवर्तन संभव हो, वो परिवर्तन नया तरीके से होगा और हम चाहेंगे सब मिल के हम इस परिवर्तन को आगे लेके जाएंगे। मैं ये अंचल सको राइजक विनम्रतार मैं अनुरोध जान विचारि जो आमार ये ऐतिहासिक मुहूर्त आम सकोए आज इतना पतंजलि आम इतना स्थापन करूँ आम सकोरे दायित्व जो आम के उद्योग आगे लै जाऊँ जीखि सहय सहजार प्रयोजन हम आज इन दिने आम अंचल राइजे इन सहय सहित विभिन्न प्रकार तारबे अपना मैं कृतज्ञता जानसो और आगत दिन आम पतंजलि उद्योग आगे लै जाने जीखि आम फल दायित्व थको आम जो सकुए मिली दायित्व पालन कर उन्नयन जाते आम विधानसभा समस्या आम विशेष जो आम उद्योग लो आम जाते उन्नतर क्षेत्र आम विशेष भूमिका ग्रहण कर एक उन्नतर पथ जो प्रशस्त करूँ ताके मैं सकुके अनुरोध जानसो भविष्य दिन निश्चय आम सको एक जड़ित हम और जड़ित हो आम जिम्मे उद्योगर काम आम निश्चय कर माननीय हमारे आदरणीय हमारे स्वामी जी और हमारे आचार्य जी को हम कहते हैं जब आप निश्चिंत रहिए हमारे यहाँ के असम के सरकार असम के हमारे प्रशासन और हमारे यहाँ के सारे लोग मिलकर पतंजलि को आगे बढ़ाने का काम करेगा। पतंजलि को आगे ले जाने के लिए जो भी हमारे सरकार की तरफ से होगा हम लोग जरूर करेंगे। इतना बोल के आपका पुनः बार हमारा प्रणाम श्रद्धा निवेदन करते हैं, अपना वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। पल्लव भाई बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत शुभकामना भैया को। और जो मेरा बहुत प्यारा भाई है, और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि यह जो कार्य हुआ है जैसे मैंने कहा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो सर्वानंद सोनोवाल जी जिनकी एक प्रबल उत्कंठा उसके साथ में सारा जो मंत्रिमंडल है उनके जितने भी जो सहयोगी टीम है उनकी निष्प्रिय एक तरह से इस अभियान को पूर्ण होने के लिए उनकी एक दूसरा योगदान। तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन है डीएम साहब हमारे यहाँ पर बैठे हैं, एसएसपी साहब आ गए हैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब पहले से थे, इन्होंने भी इस तरह से इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना योगदान दिया है कि मैं कहता हूँ यदि देश में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे मंत्री ऐसे सोच वाला मुख्यमंत्री हो जाए तो उस प्रांत की उन्नति को रोकने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, वह समृद्धि और उन्नति को पा सकता है। तो मैं माननीय सिंह साहब हमारे जो यहाँ के एसएसपी हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हुए अभी दो मिनट आप पहले हमारे डीएम साहब थोड़ा सा आप अपना दो मिनट का उद्बोधन क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के एक तरह से प्रथम व्यक्ति तो आप ही हैं तो आप जो है हमको थोड़ी शुभकामना दीजिए और आपकी शुभकामना चाहिए। माननीय डीसी साहब माननीय हमार सकल रिश्तेदार आचार्य जी हमारे यहाँ उपस्थित माननीय संसद महोदय आमार माननीय पल्लवभूषण दास आमार सकलोरे प्रिय मंत्री महोदय आमार एस पी साहब आमार राजू साहब
আমি নিজে দেখিছো আজি 132 দিন আগতে ইয়াতে কি অবস্থা আছিল আর এটা কি সবের সুকুরা ঘর ইটস এ মেজিক্যাল মেজিকর নিচিনা চারিফালে ঘর হয়ে গেছে এই মানে এটা নোহা নোখোজার আশ্চর্য আমার এনেকুৱা ধরনের একটা সম্ভবপর হব আমিও কেউ ভাবা নাছিল আজি নহক আজি দিনটোত আমার কারণে আমার তেজপুরের রাইজর কারণে শোণিতপুর জেলার কারণে একটা উল্লেখযোগ্য দিন এই কারণে যে এই পতঞ্জলি উদ্যোগটো আর একটা এক্সাম্পল হিসাবে থাকক ইয়াক দেখি আমার আরো বেলেগ বেলেগ উদ্যোগ হোক এটি আমি আশা করি আর পতঞ্জলি আরো আগবাড়ি যাও আর আমার উন্নতি দিও আর তেখেত সকলে নিজেও আরো গোটেই জেলাখনত প্রচার করক তেওঁলোকের বস্তু তেওঁলোকের সামগ্রী বিক্রি হোক আর আমার জেলাখন উন্নতি আগবাড়ি লো যাব এইখানে আশা করি সকলকে ধন্যবাদ জানাই পুনর শ্রদ্ধা জানাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ हमारे बीच में क्योंकि उद्योग विभाग का यह प्रकल्प है आज हमारे उद्योग मंत्री जी को मीटिंग में जाना पड़ा तो भाई जगह जी जो डीएम इंडस्ट्री हैं आप भी क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट का बड़ा सहयोग रहा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है मैं चाहूँगा क्योंकि आपकी टीम ने भी बड़ा योगदान दिया है और आप भी अपने दो शब्द माइक प्रॉपर लगाइए मोटी महोदय আজি মই গৌরবেৰে ক'বলৈ পাই মই খুব গৌরব কৰিছোঁ যে মই যিখন জিলাত আছোঁ সেই জিলাখন আজি ইমান আমাৰ প্ৰকল্প হৈছে আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে মোৰ কাৰ্যকালতে এই সম্ভৱ হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মই ধন্যবাদিছোঁ আৰু মই ইয়াত অতপ্ৰতভাৱে মই ইয়াত প্ৰথমৰ পৰা জড়িত হ'বলৈ পাইছোঁ আৰু জড়িত হৈ আৰু মই বাকীখিনি যিমান দিন আছোঁ মই সদায় ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম धन्यवाद जी एम साहब और मेरे साथ है हमारे एसएसपी साहब जिस दिन थोड़ी सी परेशानी हुई तो संत बहादुर जी को अगले दिन ही पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा बिना देर गवाए बिना सेकेंड्स गवाए क्योंकि इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में बहुत अच्छे अधिकारी हैं तो हमारे ऐसे जागरूक एसएसपी साहब जो चीज़ों को दूर से भांप लेते हैं और पहले से ही पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं तो मैं एसएसपी साहब को कहूँगा कि दो मिनट अपनी शुभकामना हमको दे माने सर जी माने MLA दंगे और हमारे यहाँ उपस्थितता से एयरफोर्स चीफ डीसी साहब और बाकी माने सत्य राइस ये तो हमारे तेजपुर का बहुत गर्व कथा की याद ईमान डांगर फैक्ट्री ऐसी जिनको हमारे डी सी साहब को ऐसे आगत की आसे और याद देखी बुलाए अभी वो निजे देखी सो ईमान डेनको लगी से कि जिनको मैजिक हो जाते तो ये तो हमें मोर शुभकामनाएं आसे तो हम ही आशा करी सो कि सब याद ईमान हमारे अनएम्प्लॉयमेंट आते ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का नेटा बहुत डांगर स्टेप और हम ही आशा करी सो आबो दिन काम के पतंजलि हमारे याद लोरस वाली काम और आग बड़ी पर आए और हमारे लोरस वाली काम और सौकड़ी पाओ धन्यवाद विमल बोरा जी ये भी MLA साहब हैं हमारे वो भी चाहते हैं दिन खान में तो दो मिनट क्योंकि आपको कैसा लगा आप जो सोचते हैं इतना बोल दीजिए परम पूजनीय सरदार बालकृष्ण जी आचार्य हमार सम्माननीय सांसद রামপ্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া আমার মাননীয় মন্ত্রী পল্লবলোচন দাস ডাঙরিয়াকে প্রমুখ করে উপস্থিত জেলা উপায়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষক উদ্যোগ বিভাগের সম্মানীয় বিষয়ববী সকল আমার এয়ারপোর্টের অধিকারীগণ আর এই অঞ্চলের অতি সৌভাগ্যবান পরম শ্রদ্ধার রাইজ যাকালি দিল্লীর আসিল আর আমার সম্মানীয় সাংসদ ডাঙরিয়াক আকাশ মার্গতে লগ পালো আর তখন কথা বার্তা হলে তখন কলে যে অহা কালিল পতঞ্জলি একটা অনুষ্ঠান হব আর তুমিও আহিবা আর আজি মই ঘরে যাওয়ার কথা আছিল আর এই কারণে যাওতে মই ইয়াতে আহি সময় গেল এই মেডিকেলে পরম সৌভাগ্যকে বাদ হে যে আপনার দিশা এক মহান কার্যমে মেরকা দিশা সহযোগ যে অবসর মিলা মে ভি চাহতা হো আপনি যে আসাম কাজ শারীরিক লোককে ইস দিশা মে লে যাতে কে লিয়ে যে উৎসাহিত কিয়া হ্যাঁ ও পরিবেশ পরিবেশ হামলকা দিশা ক্ষেত্র মে ভি আপ আইয়ে আর মে আপকো ভি স্বাগত করতা হুম হামলকা মহাপের
डिब्रुगढ़ जिला हम लोग का मुख्यमंत्री जी का भी जिला है और मेरा समस्ती पिंखन वहाँ में भी बहुत अनुकूलित यूट है और आप लोग का जैसा इसका कुछ उद्योग इनिशिएटिव लेने से जरूर कुछ हम लोग का जो सोच है आगे बढ़ने का ये दिशा मिलेगा। सबको शुभकामना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार। अब मैं एक बहुत बड़ी बात, अभी जितनी भी बातें कही वो भी छोटी तो नहीं थी पर उससे भी बड़ी बात बताने जा रहा हूं। पतंजलि देश की बात नहीं करता है, पतंजलि देश के लिए जीता है। पतंजलि की उत्पत्ति, पतंजलि परिवार की जो कल्पना है, श्रद्धेय स्वामी जी की वह कल्पना है। यहाँ आत्म जागरण से, स्वयं तप से देश को, राष्ट्र को जागृत करने का, खड़ा करने का यह एक अभियान है। इस अभियान को, इस राष्ट्रवाद स्वदेशी की प्रखर धारा ने यहाँ तक पहुँचाया है। उसी श्रृंखला में, क्योंकि मैं यहाँ पर जब ये थोड़ा ढांचा खड़ा हुआ मैं आया, मैंने देखा कि हमारी जो ये रोड है सामने से, ये करीबन 1 किलोमीटर की सीधी सड़क होती है और हम लोग पहले इसको डबल रोड बना रहे थे। जैसे रोड सड़कें होती हैं, बीच में पट्टी होती है, फिर ये रोड बनाया जाता है डिवाइडर लगा करके। मुझे एक आइडिया कौन था, यहाँ पर एयरफोर्स का इतना बड़ा बेस है देश का, यहाँ पर इसलिए बेस है क्योंकि आसपास में आपको पता है चाइना का बॉर्डर नजदीक है और उसकी जो निगाहें हैं, कुदृष्टि है, वो हमारी सीमा की तरफ बड़ी रहती है, कुदृष्टि जो है उसकी। तो उसकी जवाब देने के लिए, हालांकि हमारा एयरफोर्स सक्षम है, हमारी सेना की जवानें सक्षम है, परंतु जगह के लिए कि जगह जितनी भी हो, तो इमरजेंसी के लिए हमने कहा सुखोई से लेकर के आपके मालवाहक जितने भी पोत हैं वो उतर सके, ऐसा एयर स्ट्रिप हम बना दें। ये मेरे दिमाग में बात आई और मैंने माननीय राजू जी को जाकर के कहा कि भाई जरा इसको देखिए, उस एंगल से होगा तो उसमें हमको कई करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे का जो थिकनेस हमको और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। पर पतंजलि ने कि देश के लिए जब जीवन है, हम कहते हैं कि हम देश के लिए मरने की बात भी बहुत करते हैं, देश के लिए जीने की बात भी करते हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर हम मरने वाले भी बने, जीने वाले भी बने, ये बात अब करने की आवश्यकता है। तो हमने सोचा और आपने भी, अपने जो यहाँ के अधिकारी लोग थे, फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, उनको तुरंत यहाँ पर भेजा। आपने एरियल व्यू तो आपने लिया ही था पहले, सब देखा, तो इसमें से इमरजेंसी के हिसाब से हमने इसको, वह भी डेवलप कर रहे हैं। ये देश की पहली उद्योग, पहली फैक्ट्री है, पहला उद्योग है जिस फैक्ट्री के अंदर एयर स्ट्रिप बना हुआ है, वो भी फौज के यूज करने के लिए। तो ये भी यहाँ पर तैयार हो रहा है, ये बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली के मीडिया वालों को जब पता चलेगा तो एक बहुत बड़ी देश के लिए नहीं दुनिया के लिए न्यूज है। पर क्योंकि वह बात हो चुकी है, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होंगे हम पूरी भी करेंगे और पूरे देश के लिए ये समर्पित जीवन है, समर्पित उद्योग है, तो समर्पित स्ट्रिप क्यों नहीं हो सकता। तो कई करोड़ हमने एक्स्ट्रा लगा करके अब स्ट्रिप बना रहे हैं। तो माननीय राजू जी जो यहाँ के एयर कमांडो ऑफिसर जो हैं, आप हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ही, और बहन बहुत इनकी जो धर्म पत्नी है, वैसे तो ये भी बहुत अच्छे हैं पर वो बहुत ही आध्यात्मिक बहन है, तो बहन कह रही थी कि मेरे लाइफ में कोई सेवा हो तो मैं तो वॉलंटरी जा करके सेवा शुरू करती हूँ। मैंने कहा बहन आ जाओ, हमारे यहाँ तो माताओं बहनों को बहुत सम्मान दिया जाता है, आप संभालिए। तो मैं माननीय राजू जी को कहूँगा कि 2 मिनट अपना भी शुभकामना। बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण, रेनाउंड मिनिस्टर्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, अदरणीय MPs, ऑल द स्टेट डिग्निटरीज, DC, SP एंड ऑल द गेस्ट, और सारे बहनें जो भी यहाँ पे, ये
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे एयर ऑफिस कमांडिंग हूँ और 3 महीने में ये पतंजलि पार्क यहाँ पे बन रही है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। मैं कुछ साल मलेशिया में था, उस टाइम बाबा रामदेव का वीडियोस वगैरह देखते थे, मैंने सोचा कि प्राणायाम सीखना है, तो इंटरनेट से डाउनलोड किया बाबा रामदेव का प्राणायाम और उस दिन से मैं प्राणायाम हर रोज सुबह करता हूँ। और बाबा रामदेव जी ने जब यहाँ पे आए थे उद्घाटन के लिए शुरू में, बहुत ही बिजी थे वो, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इधर आए तो हमारे एयरफोर्स के लिए एक छोटा योगा कैंप कंडक्ट करिए। और मैं उनको देखा, हर रोज सुबह 3 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे के आसपास बहुत कम खाना खाते हैं, फिर भी पूरा एनर्जेटिक रहते हैं। और जो कैंप उन्होंने कंडक्ट किया वो सारे एयरफोर्स के पर्सनल को बहुत ही माननीय और यूजफुल रहा है। और आप जानते हैं कि हम योग को बढ़ावा दे रहे हैं हम इंडिया में, ताकि हम सब पॉपुलेशन हेल्दी रहे, वो एक तरफ एक्सरसाइज होता है। लेकिन अगर कोई है जो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिज्म और नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता, ये दोनों को जोड़ के जो ये संगठन जो चला रहे हैं इधर, इससे हमारा पूरा देश अच्छा होगा। और तीसरी बात ये है कि हमारे इंडिया का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो ब्रिटिश रूल के बाद ब्रिटिशर्स ने जब इधर आए थे उस टाइम ग्रेजुअली हमारा जो भी स्ट्रेस है वो सब एक एक करके निकाल दिए। और ये आयुर्वेदिक जो तकरीबन 1 लाख प्लस का प्लांट्स है उसमें से 75,000 प्लांट्स ये अपना पतंजलि का गार्डन्स में रिसर्च करे किए हैं उनका, और उनसे ये प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स सबके लिए यूजफुल होगा, बट साथ साथ में जो नेशनल बिल्डिंग अपना इकोनॉमी के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, देश के पैसे देश में रहेगा और खूब सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इधर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये सबसे अपना देश का इकॉनमी बढ़ेगा, और जब इकॉनमी बढ़ेगा देश का तरक्की होगा। So I'm very happy to be here on this occasion of inauguration of production of the Patanjali factory here, and I wish Acharya Balakrishnan ji and his team all the best, all the success in ensuring our nation touches even higher heights with glory. Thank you. Punah main dhanyavad karta hu Assam prant ke hamare mananiya mukhyamantri ji, unka pura mantrimandal, जितने भी MLAs हैं, जितने भी नेतागण हैं, साथ में हमारे MP साहब और पतंजलि योगपीठ परिवार के सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन, चाहे वो संगठन को चला रहे हैं, चाहे इस संस्था को खड़ा करने में जिनका योगदान है, साथ में जितने भी भाई बहन जिन लोगों ने विविध कार्यों के माध्यम से, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे वो मशीनों की सप्लाई करने वाले भाई बहन हैं, चाहे वह प्रीफ्रम के ये सारे लोहा लक्कड़ जहाँ से आया है, सीमेंट से लेकर के सरिया तक के लिए जिनका योगदान रहा है, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। यह एक ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करने में, इस ऐतिहासिक कार्य को यह स्वरूप प्रदान करने में आप सबका जो योगदान है वह स्मरणीय है, अविस्मरणीय है, और यह दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और पूरी देश के लिए एक उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। तो इस कार्य को आप सबने संपादित किया, तो यह दिन आज हम सबके लिए, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, इसको स्मरण मात्र से भी, क्योंकि जैसे जंगल था यहाँ पर, मुझे तो अभी कल की बात लगती है, क्योंकि 3 महीना कोई ज़्यादा पुराना समय नहीं होता है, 3-4 महीना पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो ये बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया है, तो ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। पुनः मैं स्थानीय लोगों को भी, जितने भी स्थानीय भाई बहन हैं, उन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने भरपूर साथ दिया है, सभी जनता का, सभी प्रजा का और सभी अधिकारियों का, सभी नेताओं का, सबका योगदान है, सबका साथ है,
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इसका दूसरा अर्थ मैं कहना चाहता हूँ, सब साथ दोगे तो होगा विकास।